नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद में अब तक हजारों औषधियों की खोज हो चुकी है और आज भी लगातार जारी है। आयुर्वेद के नियमों के अनुसार भयंकर से भयंकर बीमारी को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही आयुर्वेदिक औषधीय पौधा लेकर आया हूं, जिसके इस्तेमाल मात्र से ही आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस औषधीय पौधे के बारे में। उससे पहले अगर आपको यह जानकारी जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमारी मेहनत का प्रतिफल होता है। साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सामने लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आज का औषधीय पौधा है धतूरे का पौधा। जी हाँ दोस्तों, धतूरा औषधीय गुणों की खान है। आइए जानते हैं धतूरे के इस्तेमाल से होने वाले बेमिसाल फायदों के बारे में। धतूरे का प्रयोग गंजेपन को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके रस को सिर पर मलने मात्र से ही डेंडर भी खत्म नहीं होता, बल्कि गंजेपन से भी छुटकारा पाया जा सकता है। दर्द से राहत पाने के लिए धतूरे के रस को तिल के तेल में मिलाकर गर्म कर लें और दर्द वाली जगह पर इस तेल की मालिश करें। आपकी बॉडी में जहाँ भी कैसा भी दर्द हो तुरंत ही दूर होने लगेगा। बवासीर के इलाज के तौर पर भी धतूरे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए धतूरे के फूल और पत्तियों को जलाकर इसके धुएं से बवासीर के मस्सों की सिकाई करने से काफ़ी राहत मिलती है। नियमित रूप से धतूरे के रस और तिल के तेल की मालिश करने से जोड़ों के दर्द की समस्या हो, गठिया जैसी समस्याओं में भी आपको काफ़ी राहत ही नहीं मिलती, बल्कि आप इन रोगों से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। बुखार या कफ होने की स्थिति में लगभग 125 से 250 मिलीग्राम धतूरे के बीज लेकर इसे जलाकर राख बना लें और इस राख को मरीज को दे, इससे बुखार या कफ गायब हो जाता है। अगर शरीर पर कहीं घाव हो जाए तो हल्के गुनगुने पानी की धार से उस घाव को धो लें। उसके बाद में धतूरे की पत्तियों की पोटली बना लें और उस पोटली को उस घाव पर रखें, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। धतूरे के बीज, लौंग और अकरकरा को बराबर मात्रा में लेकर इसका चूर्ण बना लें और चूर्ण बनाने के बाद में आप ही चूर्ण की छोटी छोटी गोलियाँ बना लें और इन गोलियों को रोजाना एक नियमित रूप से सेवन करने से पुरुषों में यौन दुर्बलता दूर होने लगती है, साथ ही जबरदस्त ताकत भी देखने को मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी की शिकायत रहती है तो धतूरे की जड़ मात्र को सूंघने से ही मिर्गी रोग को दूर किया जा सकता है। दोस्तों यह तो बात रही धतूरे के फायदों के बारे में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, धतूरा जितना अमृत सम्मान है उतना ही जहर भी होता है। इसलिए धतूरे के इस्तेमाल से पहले आप किसी अच्छे चिकित्सक या फिर किसी अच्छे विशेषज्ञ की देखरेख में ही धतूरे का इस्तेमाल करें। धतूरे की अत्यधिक मात्रा का सेवन करने से नशा होने लगता है, बेहोशी आने लगती है, पागलपन आ जाता है, साथ ही जी मिचलाना, उल्टी, इसके अलावा भी कई प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।